ड्रीम इलेवन पर गरीब सब्जी वाले ने जीते पूरे 2 करोड़। सब्जी बेचकर चलाती थी अपना घर और आज है करोड़ों के मालिक। एक बार फिर से ड्रीम इलेवन पर टीम लगाकर 2 करोड़ रुपया जीत एक गरीब परिवार के गरीबी युवा। आप सभी को बताना चाहूंगी, ये युवक सब्जियां बेचा करते थे परंतु ये अपना किस्मत आजमाने के लिए ड्रीम इलेवन पर प्रतिदिन पड़ती कॉन्ट्रैक्ट पर टीम लगाया करते थे, परंतु इस तरह से किस्मत पलटा जैसे कोई लॉटरी लगी हो। आप सभी को बताना चाहूंगी, इन्होंने अपना इंटरव्यू में खुद बताया है कि हम कैसे ड्रीम इलेवन पर टीम लगाते थे। वह मेरा नंबर 1 आया, हम रातों रात 2 करोड़ जीते, तो पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी ड्रीम इलेवन पर टीम लगाते हैं और करोड़ों रुपए जीतने का सपना देख रहे हैं, तो इन विनर का जो इंटरव्यू बताया गया है, इससे आपको काफी ज्यादा मदद इनके बताई गई ट्रिक से काफी ज्यादा उपयोगी होने वाला है आप लोगों को। ड्रीम इलेवन पर गरीब सब्जी वाले ने जीते पूरे 2 करोड़। वैसे आप सभी को पता ही होगा कि ड्रीम इलेवन पर प्रति मैच पर कोई ना कोई जरूर करोड़पति या फिर लखपति बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक सब्जी वाले का किस्मत चमका, इन्होंने ड्रीम इलेवन पर टीम लगाकर 2 करोड़ रुपया रातों रात जीत लिए। और बताना चाहूंगी, इस व्यक्ति को ना तो क्रिकेट का कोई शौकीन था और ना ही कोई खिलाड़ियों को यह जानते थे, फिर भी इन्होंने चेहरा देखकर टीम लगाया और जीत गए। तो दोस्तों, आप लोगों को भी इनके जीतने का राज जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, इन्होंने जब IPL चल रही थी तभी इन्होंने हैदराबाद तथा मुंबई के बीच जो मैच खेला गया था उस पर टीम लगाया और यह ना तो कोई प्रेडिक्शन और ना ही पिच रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त किया था। बस ड्रीम इलेवन पर आया और प्लेयर को पहचान और फिर टीम लगाया, मतलब एक तरह से कहा जाए तो तुक्का लगाया था। तुक्का और तुक्की ने इसको इस तरह से साथ दिया, करोड़पति ही बना दिया। तुक्का लगाकर बना करोड़पति ड्रीम इलेवन पर आया था प्रथम रैंक। जो ये सब्जी वाले हैं, इनका नाम है लालचंद माली। इन्होंने ड्रीम इलेवन पर टीम खिलाड़ियों का चेहरा पहचान कर तुक्के में टीम लगाया और इनका एक तरफ जीती हुई कहा जाए तो उन्होंने ना तो कुछ खिलाड़ियों के बारे में पूरा प्रोडक्शन प्राप्त किया था और ना ही बच के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। बस आया तोप में लगाया और बन गए करोड़पति। तो बताना चाहूंगी दोस्तों, इन्होंने खुद कहा कि सबसे पहले आप लोग जब भी टीम लगाती हैं तो उससे पहले आप लोगों को एक ही टीम नहीं लगानी है, बल्कि आप लोगों को 10 से 20 टीम लगाना है और सभी टीमों में आप लोगों को अलग अलग प्लेयर का चयन करना है। यह नहीं कि जिसका काम चयन हो, जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो उसको भी ले ले, ऐसा हरगिज नहीं करना है। वही प्लेयर को लेना है जो प्लेयर मतलब अच्छा प्रदर्शन करते आ रहा हो, तभी आप लोग जीत पाएंगे। इन्होंने यही बात कही है अपने इंटरव्यू में।